करने पर रमन ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया था, लेकिन अब उसने खुद से हामी भरते हुए अपने मुंह से शब्द निकाल ही दिए थे जिसे वो वापस नहीं ले सकता था। इसलिए रमन बस खामोशी से अपने अंदर ही अंदर उस दर्द को सह सकता था। और इसी तरह से उसने आखिरी बार मंत्र पढ़कर शर्मिंदगी महसूस करते हुए वो ग्लास बॉटल्स उस स्काउंडरल को लाकर दे दी। अपने आत्मसम्मान को वापस हासिल करने के लिए रमन ने उन बॉटल्स को एक के बाद एक उस एल्केमी टेबल के नीचे रख दिया और अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए खामोशी से खड़े होकर घूरने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फिर से एक बार उस गहरे लाल रंग से भरे हुए टेस्ट ट्यूब पर पड़ी तो उसने डर और घबराहट से यश को घूरना बिल्कुल बंद कर दिया। वो अभी और भी गुस्से में था, लेकिन उसकी यश से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। यश ने उन ग्लास बॉटल्स की तरफ देखकर रमन के गुस्से की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यश ने उन कांच की बोतलों के अंदर रेड कोरल सॉल्यूशन डाल दिया और उन्हें टेबल पर अरेंज कर दिया। थोड़ा थोड़ा लाल मूंगे का वो सॉल्यूशन यश ने हर बोतल में डाला। इस पूरे प्रोसेस के दौरान रमन ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। ये सब करने के बाद फाइनली यश ने उस डेंजरस टेस्ट ट्यूब को नीचे रख दिया और वहां जितने भी सस्ते मैजिक मटेरियल्स पड़े हुए थे उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज करने लगा। इसके बाद यश ने 1000 नॉट फ्लावर्स, जिसमें कि अलग अलग फूल भी शामिल थे, उन्हें पीसना शुरू कर दिया। उसने एक फिल्टरिंग कप लिया और उसमें 7 पत्तियों वाले घास का रस निकालने लगा। साथ ही थोड़ी सी मूनलाइट सैंड को एक व्हाइट पेपर शीट पर बिछा दिया। अब उसने थोड़ी देर कुछ मंत्र पढ़े, जिसके बाद कागज पर बिछाई गई मूनलाइट सैंड जेंटली शाइन करने लगी। उससे निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे करके चमकीली और फिर और भी ज्यादा चमकीली होने लगी। यश ने अपने काम करने की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। 7 लीव्स ग्रास के रस को उन ग्लास बॉटल्स में डाल दिया गया और डाइल्यूटेड रेड कोरल सॉल्यूशन का रेड रेडियंस ऐसा करने के बाद डिम होने लगा। इसके बाद जब 1000 नॉट फ्लावर को जो परफ्यूम बनाने के काम में आते थे उनका पाउडर उसमें मिलाया गया तो उसकी इरिटेटिंग स्मेल धीरे धीरे करके गायब हो गई। जब मूनलाइट सैंड की चमक गायब हो गई तो लाइट रेड लिक्विड की 3 बोतलों ने अपना सही रूप दिखाया और धुंधला कोहरा छा गया। रमन के मुंह से निकला माय गॉड। जब बाद में रमन ने यह सब कुछ देखा तो उसने धीरे से अपना मुंह खोल लिया। हालांकि वो अभी भी पहले हुए अपने स्वाभिमान के नुकसान पर पछता रहा था। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उससे उसका मुंह लटका हुआ दिख रहा था। वो यश के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं देखने पर हैरान हो गया। उसे लगभग इस बात का यकीन हो गया था कि उसके सामने इस वक्त जो इंसान है वो एक मॉन्स्टर है। फिर उसने सोचा ये रंगीन लिक्विड कैसे हो सकता है। रमन को साफ तौर पर याद था कि कुछ महीने पहले जब वो बस एक नया जादूगर बना था तब उसके मैजिक स्कूल ने उसे तारानगर के शहर की लेबोरेटरी में इनाम के तौर पर पढ़ाई करने के लिए जाने दिया था। वहां पर उसने इस नई दुनिया के बारे में सब कुछ पढ़ा था। उस जगह को उस पूरे राज्य का लर्निंग सेंटर माना जाता था और उस जगह पर दो बहुत ही बड़े जादूगर रहते थे और इनके साथ ही 7 ग्रेट अल्केमिस्ट जिन्हें जादू से सोना बनाने की विधि में महारत हासिल थी। ऐसा कहा जाता था कि जो आदमी उस तारानगर की लेबोरेटरी का मास्टर अल्केमिस्ट था उसके वहां होने की वजह से तारानगर की वो लेबोरेटरी अनगिनत जादू से सोना बनाने वाले कारीगरों के लिए एक होली पिलग्रिमेज थी। जब रमन उस लेबोरेटरी में गया तो वहां उसे सचमुच यही एहसास हुआ था। वहां पर गुजारे हुए वो 7 दिन रमन के लिए किसी वरदान की तरह थे, जब उसको लर्निंग के सेंट्रल हब में रहने का और उन लेजेंडरी लोगों को देखने का मौका मिला था। इसके साथ ही जब उसकी किस्मत उसका साथ दे रही थी तो उसे उन लोगों को सुनने का मौका भी मिला था। इसके आगे उसे कभी कभी उनकी रिसर्च को देखने का मौका भी मिला। रमन के लिए तो वो एक्सपीरियंस उसकी पूरी कमाई से भी कहीं ज्यादा था जो कि वो अपनी पूरी जिंदगी भर कमाने वाला था। दुनिया में ऐसा रमन के जैसा मौका हर किसी की किस्मत में नहीं होता, चाहे बात महान जादूगरों की जाए या जादू से सोना बनाने वाले महान कारीगरों की। वहां मौजूद वे सभी लोग अपने अपने इलाके में शिखर पर खड़े हुए थे। वो काफी हद तक आम लोगों से तो पहले ही अलग हो चुके थे। अगर वो लोग वहां पर अनजाने में भी कुछ कह दिया करते थे तो रमन के जैसे जादूगरों के लिए तो वो इनलाइटमेंट की बातें हो जाया करती थी। कई सालों तक उन लोगों की जिंदगी के आगे के रास्ते में उजाला हो जाया करता था। रमन अभी तक वहां पर बिताए गए अपने 3rd डे को याद कर रहा था। वो उन ग्रेट अल्केमिस्ट को देखने के बाद अपने जीवन को धन्य मानने लगा था। गौतम प्रधान का बनाया गया वो कलरफुल लिक्विड, उन्होंने एक बोतल में एक कलरफुल लिक्विड बनाया था जिसका इस्तेमाल करके रूहानी तिलस्मी ताकतों के भवर में से इंप्योरिटीज को साफ किया जा सकता था। किसी भी ऐसे जादूगर के लिए जो कि एक बड़े जादूगर बनने के लेवल के शिखर पर खड़ा हो और अर्जेंटली अपनी रूहानी तिलस्मी ताकतों के भवर को हासिल करना चाहता तो उसके लिए एक महान जादूगर बनने के रास्ते में इस तरह के कलरफुल लिक्विड की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। यह अल्केमी का जादू था। इस जादू का पर्सनली गवाह बनने के बाद रमन को यह बात पता थी कि वहां पर जो कुछ भी उसने सीखा था वो हर एक डिटेल्स संजो के रखने लायक थी। उस जवान जादूगर का ऐसा मानना था कि अगर 10 साल भी बीत जाए तो भी उसे वो सब कुछ याद रहता जो कि वहां पर हुआ था। और अब जबकि उस बात को लगभग 10 साल गुजरने को थे इसलिए रमन की करंट अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा साफ हो चुकी थी। शायद ये उसी विविड मेमोरी की वजह से था, लेकिन रमन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद से अपना काबू खो दिया था। अगर उन 3 बॉटल्स के बारे में बात की जाए जो कि अभी उसके सामने एल्केमी टेबल पर रखी हुई थी, या तो वो उनमें से आ रही खुशबू थी और या तो फिर उसकी वजह से होने वाले मैजिक फ्लक्चुएशंस वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि रमन ने उस तारानगर की लेबोरेटरी में बने कलरफुल लिक्विड्स में देखे थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब तो ये था कि उसके साथ मौजूद वो शख्स जो अपने आप को एक मैजिक अप्रेंटिस बताया करता था उसके पास न सिर्फ 2 तरह के जादू करने की मास्टर एबिलिटीज थी बल्कि इसके साथ ही वो एक बहुत ज्यादा गिफ्टेड एल्केमिस्ट भी था जो कि हर तरह के मैजिक टूल्स बना सकता था। रमन मन में सोचने लगा, लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, राइट, शायद यही हो रहा है। जादूगर की तरह नेचुरली रमन इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि चाहे बात जादू की हो या एल्केमी की, उन सब बातों के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती थी और उन दोनों चीजों में गिफ्टेड होना इस बात को साबित करता था और इसे बदला नहीं जा सकता था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग और गिफ्टेड था, उसे अपने नॉलेज और स्किल्स पर काबू भी होना चाहिए था। ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो कि इस प्रोसेस से बचकर निकल सकता था। एल्केमी की अनगिनत ब्रांचेस में से जादुई लिक्विड मेकिंग से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ब्रांच कोई दूसरी नहीं थी। इसमें बहुत सारे फॉर्मुलाज और इसके साथ ही कभी ना खत्म होने वाली टेस्टिंग थी। ऐसे ही हर तरह के जादुई लिक्विड्स तैयार करने के काम में बहुत बार नाकामयाबी भी हाथ लगती थी। इसलिए अभी तक आनंदपुर शहर में सबसे कम उम्र का मैजिकल लिक्विड बनाने वाला शख्स महज 30 साल का था। ये पहले से ही एक लिमिट थी। कम से कम इतने वक्त के बिना नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल कर पाना ये तो सिंपली इम्पॉसिबल था कि कोई जादुई तरीके से सोना बनाने वाला कारीगर बन जाए।
लेकिन मंडल परिवार का ये छोटा मालिक जो कि अभी बस 20 साल का लड़का था, दरअसल इस उम्र में इस कामयाबी को हासिल करने वाला ये लड़का सचमुच शॉकिंगली यंग था। अगर इतनी सी उम्र में ही वो मैजिकल लिक्विड बनाने लगा था तो इस बात में कोई शक नहीं था कि वो एक दिन बहुत महान एल्केमिस्ट यानी ज्यादा सोना बनाने वाला कारीगर बन जाता। रमन खुद से कहने लगा, अरे मैंने तो अभी फ्यूचर के होने वाले ग्रेट एल्केमिस्ट पर हमला कर दिया था। और जैसे ही उसके दिमाग में यह ख्याल आया, रमन के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। ये कोई मजाक नहीं था, रमन ने अपने मन में सोचा। ये कैसा रहेगा कि मैं खुद से पहल करूं और उससे जाकर माफी मांग लूं? तो क्या मुझे इससे पहले यह सीखना पड़ेगा कि मुझे अपना घमंड कैसे एक तरफ रखना है? एपिसोड 15, टूट गया अहंकार। रमन की बातों से साफ जाहिर था कि उसे अपने घमंड को छोड़ना था, क्योंकि ऐसे आदमी से माफी मांगना ठीक ही होता जो कि स्टेटस में उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया था। इतना ज्यादा कि इस पर यकीन करना ही मुश्किल था। रीजन चाहे जो भी था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि अब उसने अपने आप को खुद ही नीचे लाना शुरू कर दिया था और इसमें उसे कोई नुकसान भी नहीं लग रहा था। इसके बाद उसने खुद से बात की, राइट चलो ऐसा ही कर दे। अब रमन ने अपने दिमाग से उन तरीकों को ढूंढना शुरू किया जिससे वो माफी मांगने की इस कोशिश को आगे बढ़ा सके, क्योंकि अब इस बात की जरूरत थी कि उसे अपना घमंड एक तरफ फेंक देना था। इसके लिए एक बेहतर तरीका तो होना ही चाहिए था। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके दिमाग में अभी तक भी कोई ऐसा अच्छा आइडिया नहीं आया। वहीं यश अपना काम पहले ही खत्म कर चुका था। वहां रखा एल्केमी टेबल पहले ही नीटली क्लीन कर दिया गया था और इस काम को करने में उसने जिन थोड़े बहुत टूल्स की मदद ली थी उन्हें भी उनकी जगह पर वापस रख दिया गया। यहां तक कि गर्म चीजों को रखने के लिए उसने जो डस्टबिन से सेरामिक पॉट्स लिए थे वो भी उसने उनकी जगह पर वापस रख दिए। ये यश की पहले की आदत थी जो कि उसके अंदर उस जादू युग के अंत के पहले से ही मौजूद थी। उस युग में रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी, यहां तक कि उस वक्त तो एक मुट्ठी भर अनाज भी एक बहुत बड़ा खजाना माना जाता था। गरीबी के उस माहौल में जीने के बाद यश किसी भी तरह से चीजों को बर्बाद करने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चलो चलते हैं। काम खत्म हो जाने के बाद यश ने अपने साथ उन तीनों लिक्विड्स को लिया और उस एल्केमी लेबोरेटरी से बाहर निकल गया। यश के अचानक कहे गए इन शब्दों ने रमन को उसके घमंड के बारे में किए जा रहे गहरे इंट्रोस्पेक्शन से बाहर निकाल दिया और अपने सामानों को रख लेने के बाद उस नौजवान जादूगर रमन ने धीरे से कहा, हाँ आता हूँ। लेकिन जाने से पहले वो कुछ बातों को एक बार फिर याद करना चाहता था। अगर रमन कोई गलती नहीं कर रहा था तो उसके छोटे मालिक महेंद्र मंडल ने जब तक एल्केमी टेबल को साफ किया था तब रमन ने देखा था कि उसने इस्तेमाल किए गए उन टेस्ट ट्यूब को जिनमें कि पहले रेड कोरल सॉल्यूशन रखा हुआ था उन्हें एक कचरा जलाने के डिब्बे में फेंक दिया था। हालांकि रमन इस बात को होते हुए पहले ही अपनी आंखों से देख चुका था कि फ्लेम रॉक को जब उस रेड कोरल सॉल्यूशन में डाला गया था तो पहले भी कोई धमाका नहीं हुआ था। अभी भी उसके दिमाग में वही टीचिंग्स घर कर गई थी। उसने यश से पूछना शुरू किया, वो रेड कोरल सॉल्यूशन? यश ने जवाब दिया, उसकी फिक्र मत करो, उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं होने वाला, बेफिक्र रहो। इससे पहले कि रमन उसे सारी बातें पूछता, यश ने ऑलरेडी उसे उसके सवाल का जवाब दे दिया था। यश इस बात को जानता था कि वो कौन सी बात थी जो रमन को परेशान कर रही थी। दरअसल उसके दिमाग में तो ये बात चल रही थी कि उस रेड कोरल सॉल्यूशन का बचा हुआ हिस्सा जो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रह गया था उसमें धमाका हो सकता था। ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा। पहले कितने लंबे वक्त से एल्केमिस्ट ने इस बात का पता लगाने की काबिलियत हासिल की होगी कि रेड कोरल सॉल्यूशन को अगर गर्म किया जाए तो वो उत्तेजित होकर वायलेंटली कंट्रोल से बाहर हो जाया करता है। क्या इसके पीछे कुछ भी ऐसा नहीं था जो अब तक सॉल्व नहीं किया गया? थोड़ी सी मूनलाइट सैंड और थोड़े बहुत मंत्रों का उच्चारण ही इस प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए काफी था। जब वक्त आया तो डिस्कवरी से जिस तरह से केमिकल और मंत्रों की मदद से सोना बनाया जाता था उस विधि के बारे में लोगों का नजरिया बदल दिया। कई सारी नई टेक्निक सामने आई और अनगिनत एल्केमिस्ट रेड कोरल सॉल्यूशन को लेकर रिसर्च और स्टडी करने में गहराई तक डूब जाएंगे। आने वाले जमाने के लोग उस लाल मूंगे में मौजूद ऐसे बहुत सारे इनक्रेडिबल मैजिक कंटेंट्स को ठीक तरह से जान लेने के बाद इस जादुई फील्ड में ऐसे अनगिनत चौंकाने वाली कामयाबी हासिल करेंगे और उन सबके बीच में वो तीन स्पेक्ट्रम लिक्विड्स भी शामिल होंगे जो कि इस वक्त यश के पॉकेट में रखे हुए थे। ये बात सच थी कि वो चीजें बस कलरफुल लिक्विड्स नहीं थे, वो स्पेक्ट्रम लिक्विड्स थे। नेचुरली रमन ने अपना जो ये असेसमेंट किया था वो गलत नहीं था। जो सेंट और मैजिक फ्लक्चुएशंस स्पेक्ट्रम लिक्विड में होते थे वैसे ही सेम उन कलरफुल लिक्विड में भी थे और यहां तक कि उनके इफेक्ट भी पूरी तरह से डिफरेंट नहीं थे। हालांकि अगर वो दोनों चीजें एक समान थी फिर भी वो दोनों चीजें कंप्लीटली सेम नहीं थी। आखिरकार जब उसके अंदर वो रेड कोरल सॉल्यूशन मिला दिया गया था जो कि एक गेम चेंजर था, कलरफुल लिक्विड का एकमात्र इस्तेमाल रूहानी तिलस्मी ताकतों के भवन को प्यूरीफाई करना हुआ करता था, तो इस काम के लिए रूहानी तिलस्मी ताकतों के प्यूरीफिकेशन के लिए उसमें इतना खतरनाक रेड कोरल सॉल्यूशन मिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ स्पेक्ट्रम लिक्विड में ही कि रूहानी तिलस्मी ताकतों को साफ करने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता था। हालांकि स्पेक्ट्रम लिक्विड रूहानी तिलस्मी ताकतों के भवन को प्यूरीफाई करने का काम कर सकता था, लेकिन इसके साथ ही उसका मेन इफेक्ट रूहानी तिलस्मी ताकतों के वर्लपूल को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना हुआ करता था। एक बार मूनलाइट सैंड की रोशनी में नहा लेने के बाद वो रेड कोरल सॉल्यूशन रूहानी तिलस्मी ताकतों को और भी ज्यादा स्टेबल कर सकता था और इसके बाद जब उसमें 1000 नॉट फ्लावर्स का बनाया हुआ पाउडर मिला दिया जाता तो इसे उन रूहानी तिलस्मी ताकतों को जादूगर अपने अंदर ही अंदर और अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लिया करते थे। हालांकि उन रूहानी तिलस्मी ताकतों को एब्जॉर्व करना देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था और इसके साथ ही ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त की भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा वैल्यू रखा करता था। यहां तक कि कोई खराब से खराब जादूगर भी इस बात को समझ सकता था कि किसी जादूगर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। जब तक कि जादूगरों के पास उनकी रूहानी तिलस्मी ताकतों के भवन में ताकत मौजूद होती थी वो और भी ताकतवर हुआ करते थे, तो ऐसे में वो जादूगर सर्वशक्तिमान हो जाया करते थे और स्पेक्ट्रम लिक्विड इस तरह की पॉसिबिलिटी ऑफर किया करता था। इस बात के बावजूद भी कि ये स्पेक्ट्रम लिक्विड रूहानी तिलस्मी ताकतों के वर्लपूल को इतने अच्छे से प्यूरीफाई नहीं कर पाता था जितने अच्छे से वो कलरफुल लिक्विड किया करता था, लेकिन फिर भी इस बात के लिए कोई दूसरे अल्टरनेटिव नहीं थे जैसे कि रूहानी तिलस्मी ताकतों के वर्लपूल की ताकतों को और बढ़ाया जा सकता, तो इसीलिए स्पेक्ट्रम लिक्विड को ही कलरफुल लिक्विड से भी ज्यादा इस काम के लिए तवज्जो दी जाती थी।
यह खास तौर पर ऐसे जादूगरों के लिए हुआ करता था जो कि अभी भी अपनी 9th रैंक को हासिल करने के कगार पे होते थे। उन लोगों को अपनी रूहानी तिलस्मी ताकतों के वर्लपूल्स को प्यूरीफाई करने की इतनी ज्यादा जल्दी नहीं हुआ करती थी, और वो लोग उस वक्त तक भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे कि जितना पॉसिबल हो सके वो अपनी जादुई ताकतों को और मजबूत कर पाए। स्पेक्ट्रम लिक्विड को बेचे जाने के लिए वो जादूगर सबसे बढ़िया टारगेट हुआ करते थे। इन सबसे बढ़कर ऐसे बहुत सारे जादूगर हुआ करते थे जो कि 9th रैंक को हासिल करने के किनारे पर हुआ करते थे। यश ने रमन से कहा, अरे हाँ रमन, कुछ कामों को करने में मेरी हेल्प करो। हेल्प? रमन अभी भी थोड़ा सा हैरान था और उसने सबकॉन्शियसली अपने ये कन्फ्यूजन एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन उसने अपनी इस गलती को सुधारने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। रमन अपने मन में सोचने लगा, ये लड़का अभी बस 20 साल का एक एल्केमिस्ट है, लेकिन फिर भी वो किसी भी वक्त मेरे घमंड को चूर कर सकता है। मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता, मैं सचमुच भी बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए रमन ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए, सचमुच भी बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए रमन ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए जवाब दिया, हाँ ना, प्लीज मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती ही थी कि यश ने उसकी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यश ने तो बस अपने पॉकेट में से वो तीनों लिक्विड्स बाहर निकालते हुए कहा, मुझे लिक्विड्स को डिलीवर करने में हेल्प करो, ये बॉटल विक्रमादित्य मेन स्ट्रीट के ऑक्शन हाउस में पहुंचाना है। उन लोगों को ये बता देना कि मैं चाहता हूं कि इसे 3 दिनों के अंदर बेचा जाए, और उसे कहना कि वो खुद ही इसकी कीमत अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये लिक्विड जादूगरों के गिल्ड के लिए है, और मुझे एक लाइब्रेरी पास भी चाहिए जिससे मुझे वहां जाने पर हाईएस्ट प्रिविलेज मिल सके। ठीक है, याद रहेगी मेरी बात? अपनी बात खत्म करते हुए उसने रमन से पूछा, और जहां तक कि बचे हुए लिक्विड की बात है तो क्या वो तुम्हें चाहिए? एपिसोड 16, स्पेक्ट्रम लिक्विड। रमन ने यश मेहरा की बात दोहराते हुए कहा, ओके मैं समझ गया, बॉटल ऑक्शन हाउस में पहुंचाना है और मैजिक गिल्ड वालों को बेचना है, और मुझे जैसी मेरी मर्जी हो। यश ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम पीना चाहो तो पियो, या तो इसे यूं ही जाने दे सकते हो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो। उसने अपने जिस हाथ में वो स्पेक्ट्रम लिक्विड पकड़ रखा था वो अचानक से हिलने लगा, और उसने लगभग उन लिक्विड्स को छलका ही दिया था। तभी यश ने उसे बताया, ये स्पेक्ट्रम लिक्विड्स हैं रूहानी तिलस्मी ताकतों के वर्लपूल को प्योरीफाई करने के अलावा, ये उसके साथ ही रूहानी तिलस्मी ताकतों के वर्लपूल को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। मैंने देखा है तुम एक 5th रैंक जादूगर हो, तो तुम्हें इसे पी लेना चाहिए, ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्या ये बहुत ज्यादा कीमती नहीं है? रमन ने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि उस लिक्विड की वो लास्ट बॉटल एक्चुअली उसे दे दी जाएगी। बात ने ऐसा मोड़ लिया कि वो कलरफुल लिक्विड जैसा कि उसने सोचा था वैसा नहीं था, लेकिन उसके इफेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में जैसा उसने सुना था उससे रमन एक बात तो बता ही सकता था कि वो लिक्विड खजानों के बीच में भी एक खजाना है। रूहानी तिलस्मी ताकतों के वर्लपूल को प्योरीफाई और उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाना, और वो भी दोनों एक ही वक्त में एक साथ, ये दोनों ऐसे जादू थे जिनको हासिल करने की हर एक जादूगर को इच्छा हुआ करती थी, लेकिन ये जो लिक्विड था ये ऐसी दोनों चीजों को एक ही साथ कर सकता था। इस बात को सोचने के बाद कि रमन किस तरह से यश का फेवर गेन कर सकता है, ये बात थोड़ी ज्यादा अजीब हो रही थी। उसने दरअसल सोचा था कि जब से उसने भविष्य के ग्रेट अल्केमिस्ट पर हमला किया था, यहां तक कि अगर वो मर भी जाता तब भी वो एक खतरनाक सिचुएशन नहीं था। रमन पहले से ही इस बात की कोशिश कर रहा था कि वो किसी भी तरह से इस इशू को रिजॉल्व कर सके, लेकिन फिर भी आखिर में ये तो ऐसा ही था कि गिल्डेड रोज से बाहर निकलने के बाद आसमान से एक फल नीचे गिरा। रमन ये देखने के बाद ही कंफ्यूज्ड और हक्का बक्का रह गया, यहां तक कि लंबे वक्त के बाद भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे करे। यश ने रमन को समझाया, ओके अब चलो जल्दी करो, इन सब चीजों को संभाल कर ले जाना। यश के लिए स्पेक्ट्रम लिक्विड की एक बॉटल गिफ्ट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, तो इसलिए वो इस बात को दिल पर नहीं लेना चाहता था। ये सिर्फ इसी युग में था कि स्पेक्ट्रम लिक्विड को इतना ज्यादा कीमती समझा जाता था, क्योंकि अभी तक उस युग में कोई भी ऐसी टेक्निक इजाद ही नहीं हुई थी जिससे रेड कोरल सॉल्यूशन को हैंडल किया जा सके। लेकिन वो टेक्निक अब और भी ज्यादा सीक्रेट नहीं रह गई थी, और इस युग में रेड कोरल सभी जगह बिखरा हुआ देखा जा सकता था। यश इस युग में जितने लंबे वक्त तक चाहता तब तक वो दर्जनों स्पेक्ट्रम लिक्विड बना सकता था, तो ऐसे सिर्फ एक लिक्विड की बॉटल को रिवॉर्ड के तौर पर रमन को दे दिया जाना सिर्फ एक पोलाइट बिहेवियर होता। रमन ने यश की उन बोतलों पर जादू करने में मदद की थी, तो इसलिए स्पेक्ट्रम लिक्विड की एक बोतल इनाम के तौर पर रमन को दिया जाना बहुत ही आसान काम था। जहां तक रमन की सोची बात थी तो यश को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो क्या सोचता है। अब से कुछ दिन पहले ही अपनी आंखों से एक युग का अंत देखने के बाद यश के सफर का अंत एक रहस्यमय ढंग से एक अनजाने शरीर में प्रवेश के साथ हुआ था। इस तरह के एक एक्साइटिंग और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस के बावजूद भी वो अभी तक उस घटना से पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया था, तो उसे इस बात को सोचने की फुर्सत ही कहां थी कि समाज में किस इंसान का किस चीज में इंटरेस्ट था। रमन ने अपना काम एफिशिएंटली किया था। तीसरे दिन दोपहर में मंडल परिवार के घर की घंटी दोबारा से बजी। इस बात को अपने पिता को समझाने के बाद कि वो 2 दिन के लिए कहां गायब हो गया था, रमन सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर यश के कमरे में गया। ये 30,000 गोल्ड है जो कि स्पेक्ट्रम लिक्विड को ऑक्शन हाउस वालों ने बेचने के बाद दिए हैं। रमन ने अपने चेहरे पर अफसोस जताने वाले एक्सप्रेशन लाते हुए एक क्रिस्टल कार्ड यश के हाथों में दिया। रमन ने यश को इसकी वजह बताई, बदकिस्मती से इस बार वक्त बहुत कम था, ऑक्शन हाउस के पास इतना वक्त था ही नहीं कि वो उस आइटम के बारे में जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, इसलिए इसके बारे में जो भी जानकारी थी वो बस महानगर के जादूगरों तक ही पहुंच पाई थी, तो नीलामी के आखिर में एक 8th रैंक के जादूगर ने उसे खरीद लिया। ऑक्शन स्टाफ का कहना था कि अगर उन्हें कुछ और दिनों की मोहलत मिल जाती तो डेफिनेटली वो लोग इस स्पेक्ट्रम लिक्विड को कम से कम 50,000 गोल्ड में बेच सकते थे। 30,000 काफी है, यश ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। चाहे वो 30,000 हो या 50,000, उसकी नजर में तो ये सब एक ही समान था। सच तो ये था कि यश को पैसों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 30,000 सोने के सिक्के काफी नहीं होते, यश को ऐसे ही कुछ और हजारों सोने के सिक्कों की जरूरत थी, या कहें कि ऐसे सैकड़ों हजारों रुपए की उसे जरूरत थी। लेकिन 30,000 सोने के सिक्के भी उसके तुरंत के खर्चों के लिए तो काफी ही थे। यश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो पहली चीज थी वो ये थी कि इस टाइम पीरियड की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल करे। महेंद्र मंडल सिर्फ एक मैजिक अप्रेंटिस था, इसलिए वो चीजों को उसी लेवल तक जानता था, उसे ऐसे किसी भी ऊंचे दर्जे के कामों के बारे में समझ नहीं थी।
इस दुनिया के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग का जरिया उसकी याददाश्त थी, जो कि शुरुआत से ही बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। इसलिए यश सेकंड लेवल स्पेक्ट्रम लिक्विड के बारे में भी इतना ही सोच रहा था। यश ने आगे पूछा, और उन जादूगरों के गिल्ड का क्या हुआ? वो मैजिशियन गिल्ड? रमन को तो अभी भी 20,000 गोल्ड के नुकसान का अफसोस हो रहा था। जब रमन ने यश के ये वर्ड सुने तो उसे कुछ याद आया और उसने अपने बैग से एक दूसरा क्रिस्टल कार्ड निकालते हुए कहा, मैजिशियन ग्रुप, उन लोगों के साथ तो सब कुछ बहुत आराम से हो गया। मुझे वहां पर काम करने वाला मेरा एक सीनियर मिल गया था और उसके हायर अप्स ने उनकी बातों को मान लिया, लेकिन उन लोगों ने इसके साथ ही कुछ पूछा भी था। उन्होंने कहा है कि जब तुम्हारे पास वक्त हो तो वो लोग तुमसे मिलना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि वहां पर तुम्हारे लिए एक मौका इंतजार कर रहा है। यश मेहरा ने उन दोनों क्रिस्टल कार्ड्स को एक तरफ फेंका। जादूगरों की उस यूनियन के प्रपोजल को यश ने साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया, क्योंकि यश हमेशा से ही मैजिक ग्रैंड लाइब्रेरी में पहुंचना चाहता था, तो इसलिए उसके पास वहां तक पहुंच पाने का एक ही जरिया था कि वो उन लोगों के प्रपोजल को मान जाए, इसके बजाय कि कोई किसी चीज को सीखने में अपना इंटरेस्ट दिखाए। बेहतर तो ये था कि वो उन लोगों से खुलकर मिले और ये देख ले कि वो लोग आखिर चाहते क्या थे। रमन ने कहा, बढ़िया, अब मैं वहां जाऊंगा और अपने सीनियर को जवाब दे दूंगा। यश ने उसे रोकते हुए कहा, थोड़ा इंतजार करो, अभी भी कुछ काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रमन ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अगेन? पिछले कुछ दिनों से स्पेक्ट्रम लिक्विड्स को इधर से उधर लेकर दौड़ने भागने के बाद रमन आखिर इस बात को कैसे नहीं समझता कि उनकी असली कीमत क्या थी। उस वक्त उस नीलामी घर ने यहां तक कि अपने चीफ एल्केमिस्ट को भी डिस्टर्ब करते हुए पर्सनली उस स्पेक्ट्रम की जांच करने के लिए बुलाया था। उस मैजिशियन ग्रुप ने अपने चीफ को भी परेशान किया था। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो आम लोगों के बीच में कभी कभी ही नजर आते थे, लेकिन वो खुद बाहर आए और वो भी सिर्फ एक फिफ्थ रैंक जादूगर के लिए। पर ये किस लिए था? इसलिए क्योंकि उनके दिल में उस स्पेक्ट्रम लिक्विड के लिए इज्जत थी और उनमें से एक इनक्रेडिबली प्रीशियस एल्केमी लिक्विड रमन के पास भी था, और वो भी उसे बस कुछ ग्लास बॉटल्स पर अपने मंत्रों से प्रभाव डालने के लिए मिला था, और अब उसको इसके बदले में दोबारा से यश की मदद करनी थी। रमन, जो कि नेचुरली ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, वो तो दिल से बस यही चाहता था कि यश उसे कोई काम करने का मौका दे। सेज टावर में एंट्री। रमन दोबारा यश मेहरा की मदद करने के लिए तैयार था। उसने रिस्पेक्टफुली यश से पूछा, मुझे क्या करना होगा? यश ने जवाब दिया, मुझे कुछ मैजिक मटेरियल्स चाहिए थे, ये रही उनकी लिस्ट। क्या तुम इसे देखकर बता सकते हो कि इन्हें हासिल करने में तुम मेरी मदद कर पाओगे? उस स्पेक्ट्रम को खत्म करने के बाद यश बाहर चला गया। उसके टॉर्नेडो विप्स की ताकत बहुत कमजोर निकली थी, चाहे बात स्पीड की हो या एक्यूरेसी की। वो दोनों ही जो उसने अभी दिखाई थी वो उसके पहले की इन्हें करने की जो क्षमता थी उससे काफी कम थी। यश को तो यहां तक कि इस बात पर भी शक होने लगा था कि क्या वो दोनों जादू उसने खुद नहीं किए थे। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वो महेंद्र मंडल, जो हमेशा से एक लंबे वक्त तक एक अप्रेंटिस ही माना जाता रहा था, उसके लिए इस बात के और भी ज्यादा मायने थे। उसके अंदर जन्मजात टैलेंट की बहुत ज्यादा कमी थी, चाहे बात अपने अंदर रूहानी तिलस्मी ताकतों को संजो के रखने की हो या उन पर काबू पाने की उसकी काबिलियत इन कामों को करने में एवरेज से भी काफी कम थी। उसे पहले से ही एक कमजोर शरीर वाला शख्स समझा जाता था। कड़ी मेहनत और उसके साथ रोज शाम को सही तरीके से जादू का प्रयास करना, यही वो चीजें थी जो कि रूहानी तिलस्मी ताकतों को और भी ज्यादा मजबूत बना सकती थी। लेकिन वो कमजोर महेंद्र मंडल अपनी इन सारी कमजोरियों से लड़कर जीत नहीं सकता था, जो कि एक सच्चे जादूगर को करना होता है। नेचुरली जब से यश आया था उसे उसकी रूहानी तिलस्मी ताकतों पर यकीन था और उसका इन शक्तियों पर काबू ऐसा था जो उस युग के किसी भी जादूगर से आगे निकल सकता था। और इस काम को करने के लिए वो जिस मेथड का इस्तेमाल किया करता था वो रफ और सिंपल था, जिससे जादूगरों के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता था। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि अब महेंद्र के शरीर पर यश का अधिकार था, पर यह बिल्कुल इसलिए नहीं था कि उस शरीर में जो प्रॉब्लम थी वो सब कुछ सेटल हो चुकी थी। वो परेशानी तो हल होने से भी काफी दूर थी। हालांकि रूहानी तिलस्मी ताकतों के वर्लपूल ने पहले ही आराम से अपना आकार ले लिया था, भविष्य में एक जादूगर से बड़े जादूगर में, एक बड़े जादूगर से उससे भी बड़े जादूगर में, और उससे भी बड़े जादूगर से एक महान जादूगर में, हर बार ये ताकतें अपना रास्ता बनाते जाने वाली थी। उसके शरीर में ये कमजोरियां उसके आगे के जीवन में भी परेशानियां खड़ी करने वाली थी। अगर यश ने इस परेशानी से पहले ही निजात नहीं पाई तो यश को आज नहीं तो कल इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। इस युग में जबकि उस सब्जेक्ट पर रिसर्च अभी तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाई थी, इस तरह की शारीरिक कमजोरी तो जादूगर बनने के रास्ते से उसे हटा सकती थी। अगर वो ऐसे थोड़ी ज्यादा रूहानी तिलस्मी ताकतों के बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो फिर वो कैसे एक क्वालिफाइड जादूगर बन पाएगा? उसकी खुशकिस्मती थी कि यश इस एरा का रहने वाला था ही नहीं। रूहानी तिलस्मी ताकतों को हजम कर पाने के लिए उसके सामने ये जो एक परेशानी थी उसे हल करना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। इससे छुटकारा पाने के लिए यश के पास दो तरीके थे। उनमें से एक तरीका था स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक, जिससे वो अपने शरीर में रूहानी तिलस्मी ताकतों के बहाव के पैटर्न में बदलाव करते। लेकिन इस सब के लिए जितने समय की जरूरत होती थी वो समय इस मेथड में अहमियत रखता था। यश अगर एक महान जादूगर बनने के रास्ते में इस तरह से आगे बढ़ता तो उसे इसके लिए कम से कम 3 से 5 सालों की जरूरत होती। रूहानी ताकतों को अपने शरीर में बनाए रखने के लिए जो दूसरा तरीका था वो था कुछ एल्केमी लिक्विड, जिससे शरीर को ताकत मिल सकती थी। ये बहुत ज्यादा तेजी से काम करने वाली विधि थी। इसमें सबसे ज्यादा जो वक्त लगता था वो था 10 दिन, लेकिन अब इसको 10 से 15 सालों से कंपेयर करें तो ये बिल्कुल नेगलिजिबल था। नेचुरली इस मेथड के प्रयोग में जो पैसा लगने वाला था उसकी लागत बहुत ज्यादा होने वाली थी। बहुत सारे ऐसे भी मैजिक मटेरियल्स थे जिन्हें यहां तक कि इस युग में भी बहुत ज्यादा कीमती बताया गया था, और 30,000 सोने की मोहरें जो इस वक्त यश के हाथों में थी वो उसकी जरूरत से काफी कम थी। लेकिन अभी उस चीज की जरूरत इतनी भी अर्जेंटली नहीं थी।
यश ने इस बात का अनुमान लगाया था कि अगर उसे एक महान जादूगर बनना है तो उसे इसके लिए अच्छे खासे वक्त की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में इस वक्त के दौरान उसे इस दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजों को समझने में आसानी हो जाती। जब रमन को यश की दोबारा से मदद करने का मौका मिला, वो सिंपली और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि इन 10 दिनों की छुट्टी में इस काम को करने के लिए ये वक्त काफी नहीं था। रमन ने बिना देर किए उन बोतलों को अपने गले से लगा लिया और वो बाहर दौड़ गया। रमन को ऐसे बाहर जाता देखने के बाद उसके बूढ़े पिता के चेहरे पर बस एक ही एक्सप्रेशन आया कि उन्होंने अपना सिर पीट लिया। उन्होंने लंबी गहरी सांस ली, कुछ बड़बड़ाते हुए उन्होंने कहा, अब उनका ये बेटा बड़ा हो चुका है और अब उसे इस बूढ़े आदमी के साथ रहने की और वक्त बिताने की इतनी इच्छा नहीं रही है। उसने यश से कहा, सच तो ये है कि उसे रिश्तों की इतनी परवाह ही नहीं है, अब जब वो वापस आए तो आप उसे अच्छी तरह से पीट देना। यश मेहरा के लिए ये बात मैटर नहीं करती थी कि वो रमन को उन जादूगरों के ग्रुप में भिजवाने के लिए उस पर कोई झूठा आरोप भी लगा दे। मैजिशियन गिल्ड का वो ऑफिस भी विक्रमादित्य रोड की मेन स्ट्रीट पर ही था। गिल्डेड रोड से दो रोड पार करके जाने की दूरी पर ही उनका वो ऑफिस था और वहां से कोई भी शख्स उस सेज टॉवर को देख सकता था जो कि आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। उस टॉवर पर जो मंत्र कार्प किए गए थे वो हमेशा टिमटिमाते रहते थे, यहां तक कि जब सूरज की रोशनी भी अंधेरे के वक्त खत्म हो जाया करती थी तब भी वे सारे के सारे मंत्र रहस्यमयी रोशनी में टिमटिमाते रहते थे। यश उस टॉवर के नीचे खड़ा था, वो टॉवर पर कार्प किए गए उन बाहरी मंत्रों को परखने की कोशिश करने लगा और इसके साथ ही वो इंतजार करने लगा कि वहां पर खड़ा हुआ गार्ड उसके पास को चेक कर सके। जिस तरह के मंत्र उस टॉवर के बाहर उकेर कर बनाए गए थे उससे एक बात तो साफ थी कि जिस युग में वो टॉवर बनाया गया था उस वक्त उस जगह पर शांति बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा जिस तरह की रूहानी तिलस्मी ताकतों का बहाव उन मंत्रों में से देखने को मिल रहा था उससे तो लगता था कि पक्का उन मंत्रों का प्रयोग एक से ज्यादा बार किया गया होगा। एक टॉवर के बजाय उसे कोई किला कहना ज्यादा सही माना जाता। वहां खड़े गार्ड ने पास देखने के बाद यश से कहा, वेलकम टू द सेज टॉवर। गार्ड ने देखा कि यश ने उसे जो कार्ड दिखाया था उस पर गोल्डन मैजिक साइन बना हुआ है। इसके बाद गार्ड तुरंत अटेंशन होकर खड़ा हो गया और अब उसका बात करने का लहजा पहले से भी और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। उस सिंबल का मतलब ये होता था कि उस कार्ड को रखने वाला आदमी हाईएस्ट प्रिविलेज रखता था और इसके साथ ही उस कार्ड को रखने वाले के लिए टॉवर के अंदर की लाइब्रेरी में पढ़ाई करना भी फ्री था। उस पूरे महानगर में बस ऐसे 7 ही लोग थे जिन्हें इस तरह से वहां पर स्पेशल राइट्स दिए गए थे। उनमें से हर एक शख्स जिसे ये अधिकार मिले थे वो अपनी किसी ना किसी फील्ड में शिखर पर पहुंच चुका था और यश ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसे कोई आम सा गार्ड अनदेखा कर सकता था। थैंक्स, यश ने मुस्कुराते हुए गार्ड से पास ले लिया और उसके बाद उस एक मिलेनियम पुराने मैजिक के अंदर दाखिल हुआ। अगर कोई इस बात को कह सकता था कि सेज टावर महानगर के जादू का सेंटर प्लेस था तो फिर ये बात तो पक्की थी कि सेज टावर की वो लाइब्रेरी डेफिनेटली उस जगह के खजाने का कमरा कही जा सकती थी। उस लाइब्रेरी के ईस्ट में राज्य की हर तरह की बुक्स का कलेक्शन था। अनगिनत जादूगरों ने उस जगह पर अपने कदमों के निशान छोड़े थे और हर साल दूर दूर से कई मीलों का सफर तय करके परेशानियां उठाकर अनगिनत जादूगर उस टावर की लाइब्रेरी में आया करते थे। यहां तक कि कई लोग तो बस बेवकूफों की तरह वहां पर आकर लंबे वक्त तक बस यूं ही खड़े रहा करते थे। एपिसोड 18, अनवांटेड मुलाकात। जादूगरों के लिए हर तरह के जादू की नॉलेज किसी ड्रग की तरह हुआ करती थी और जादू के ज्ञान के लिए उनके दिल में जो प्यास थी वो उनकी सभी इच्छाओं से आगे निकल चुकी थी। विंध्याचल में ऐसे बहुत सारे जादूगर हुआ करते थे जो सेज टावर की लाइब्रेरी के पास को हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा कीमत चुकाया करते थे जिसे एक आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता था और इसका उन्हें कोई भी पछतावा नहीं होता था। लकीली यश के पास उस जगह पर जाने के लिए हाईएस्ट पास था, इसलिए उसे ऐसा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं थी। धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए यश आगे बढ़ने लगा। पिछले कुछ जादूगरों के बारे में सोचते हुए वो सेज टावर की लाइब्रेरी के 18वें फ्लोर के सामने जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद वो अपने आसपास के माहौल को देखने लगा। लाइब्रेरी का वो हिस्सा बहुत ज्यादा शांत था। बाहर से देखने पर अंदर अलग अलग डेस्क पर ब्लैक गाउन पहने बैठे बहुत सारे लोगों की परछाइयां देखी जा सकती थी। वो एक दूसरे से कम ही बात कर रहे थे और कोई काम नहीं होने पर भी वो लोग एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बात किया करते थे। यश के लिए ये बहुत अजीब बात थी। वो अभी भी अंदर जाने के लिए दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसे वहां पर पेपर पलटने के अलावा कोई दूसरी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपने मन में सोचा, सचमुच यहां का माहौल पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और ना ही किसी के लड़ने झगड़ने की चीख पुकार। अब वो लाइब्रेरी के अंदर गया और इस बात की कोशिश करने लगा कि वहां पर थोड़ी भी आवाज न करे। उसने अपने बैठने के लिए एक खाली डेस्क को ढूंढा और अपने पास को बाहर निकालकर टेबल पर रख दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि उस जगह पर वो बैठा हुआ है। उसने किसी किताब को ढूंढा और उसे पढ़ने के लिए अपनी जगह पर वापस आ गया। लेकिन जब वो किताब पढ़ने लगा तो उसके सामने एक काला गाउन पहना हुआ जादूगर बैठ गया था। जैसे ही वो नौजवान जादूगर उसके सामने बैठा उसने उसके हाथों में जो 3 किताबें थी उन्हें जोर से टेबल पर पटका। धड़ाम से आवाज हुई। यश जो कि अभी अभी कुर्सी पर आकर बैठा ही था उसने गुस्से से अजीब तरह से उस अजनबी जादूगर की तरफ देखा। क्या हुआ, मुझे इतनी जल्दी भूल गए? वो नौजवान जादूगर देखने में लगभग 25 साल की उम्र का लग रहा था लेकिन इस वक्त यश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसकी इस हरकत से बहुत नाराज था। इसलिए यश मजबूर होकर उस जादूगर को गुस्से से देखने लगा। लेकिन वो नौजवान जादूगर रमन नहीं था। अगर उसने यश मेहरा को इस तरह से गुस्सा करते हुए देख लिया होता तो इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बिल्कुल चुप हो जाता। उस दिन गिलगिट रोज में जब रमन ने लगभग उसको मार ही डाला था तब यश ने उसी दिन पहली बार गुस्सा किया था और आज ये दूसरा दिन था जब वो गुस्से में था। लेकिन अभी अभी जो शख्स वहां पर आकर बैठा हुआ था उसे यश के इस गुस्से का अंदाजा नहीं था। यश के गुस्से का मतलब साफ था कि वो खुश नहीं था और उसे सचमुच बिल्कुल ये याद नहीं था कि उसके सामने बैठा हुआ वो जादूगर कौन है। लेकिन वो लड़का यश को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसने फिर भी अपना बोलना जारी रखा। अरे हम दोनों ने एक दूसरे को पिछले महीने देखा था, तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकते? इतना ज्यादा भुलक्कड़ होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे यार मैं मनीष हूँ, मनीष तुम्हें याद नहीं है मैंने उस बिजनेस गैदरिंग में तुम्हारी पिटाई की थी और तुम्हारी नाक तोड़ दी थी? मैं वही मनीष हूँ, अच्छे से याद करो, लगता है नाक की चोट तुम्हारे दिमाग पर लग गई है। मनीष, यश ने उसके दिमाग में जो महेंद्र मंडल की बची हुई यादें थी उस पर जोर डालकर सोचा। तब उसे पता चला कि हाँ ऐसा एक शख्स था और उस लड़के ने अपना एक गहरा इंप्रेशन भी उस पर छोड़ा था। जैसे कि यश को महेंद्र मंडल की यादों से पता चला था मनीष भी एक बिग मर्चेंट फैमिली से था। उसके पिता महानगर के 7 ग्रेट बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट थे जिनके बिजनेस ग्रुप का नाम ट्विन मून्स बिजनेस ग्रुप था।
सच तो यह था कि ट्विन मून्स बिजनेस का स्टेटस यहां तक कि फ्लैशिंग गोल्ड महानगर के 7 बिजनेस ग्रुप में फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप से भी बढ़कर था। आखिरकार वो फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप कुछ दशकों पहले ही शुरू किया गया था, लेकिन वहीं ट्विन मून्स बिजनेस ग्रुप इसके पहले से भी लगभग एक मिलेनियम से चलता आ रहा था और इसकी असली ताकत दिखाई देने से कहीं ज्यादा थी। ये बिल्कुल ऐसा था कि फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप कुछ दशकों में ही इतना ज्यादा उभर कर लोगों के सामने आया था कि उसने ट्विन मून्स बिजनेस ग्रुप को लगभग पछाड़ दिया था। वहां पर लगभग सभी लोगों को यह यकीन हो गया था कि फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप महानगर का नंबर वन बिजनेस ग्रुप था, जिसके हेड गजेंद्र मंडल थे। कोइंसिडेंटली मनीष और महेंद्र मंडल दोनों ही मैजिक अप्रेंटिस बन गए थे और बाद में ये दोनों मेजर बिजनेस ग्रुप्स की एक दूसरे से लालच की वजह से खुलकर लड़ाई करने लगे थे। तो जैसा कि लाजमी था, बहुत सारे लोग जो कि बिजनेस किया करते थे उन लोगों ने इन दोनों बिजनेस ग्रुप्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये कंपैरिजन कुछ महीनों के बाद रुक गया क्योंकि मनीष आगे बढ़ गया और मैजिक अप्रेंटिस से वो एक जादूगर बन गया था। उसके बाद जब एक जगह पर उन 7 बिजनेस ग्रुप्स की मीटिंग हो रही थी, मनीष ने महेंद्र को सबक सिखाने का एक बहाना ढूंढ निकाला। वैसे भी सबसे झगड़ने की उसकी फिजूल की आदत तो थी। तब जैसे ही महेंद्र ने कुछ कहा, उसने महेंद्र को इतना पीटा कि उसकी नाक से खून निकलने लगा। इस वजह से उन दोनों बिजनेस ग्रुप्स के बीच जो लड़ाई थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। अगर उन दिनों ही गजेंद्र मंडल की समुद्र में हादसे के दौरान मौत की खबर नहीं आई होती तो ये कोई नहीं जानता था कि वो लड़ाई क्या मोड़ लेती। ये बात तो पक्की थी कि महेंद्र मंडल की यादें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसे एक बहुत बड़ी बेइज्जती के तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन यश जो खुद एक दुनिया के मिटने का दबा रहा था, उसके लिए इस चीज का इतना ज्यादा मोल नहीं था कि वो इस बात पर अटेंशन देता। महेंद्र जो पहले एक 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस था, वो अब बदलकर एक फर्स्ट रैंक जादूगर हो चुका था, जिसका यकीन आगे बढ़ने के लिए अपनी बनाई गई औषधि पर था। यश ने महसूस किया कि महेंद्र और मनीष के बीच जो लड़ाई हुई होगी वो बस एक बच्चों की लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसलिए यश ने मनीष को घूर कर तक नहीं देखा, बस यूं ही हामी भरते हुए अपना सिर हिला दिया। अपनी समझदारी का परिचय देते हुए यश ने उस डेस्क को छोड़ दिया और वहां से जो पहला बुकशेल्फ था उसके पास गया और उसने अपना ध्यान उस चीज की तरफ लगाया जिसे वो ढूंढना चाह रहा था। जल्द ही यश ने उस चीज को ढूंढ लिया जिसकी उसे जरूरत थी। वो एक मोटी किताब थी जिस पर न्यू क्रिएशन हिस्ट्री ये नाम लिखा हुआ था। यश ने उस किताब को उठाया और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटाने लगा। यश का ध्यान अपनी पढ़ाई में इस कदर लगा कि वो अपनी किताब में डूब ही गया। उसने इस बात को भी नोटिस नहीं किया कि मनीष भी उसके पास आ गया था। नहीं, एक बार मुझे उस चीज को देख लेने दो। न्यू क्रिएशन हिस्ट्री? ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सचमुच न्यू क्रिएशन हिस्ट्री है। मजाक बनाते हुए मनीष जोर जोर से हंसने लगा। अरे महेंद्र, तुम जैसे लोग जो कि मैजिक अप्रेंटिस होते हो सचमुच मेरा बहुत ही अजीब होते हो। इतना कहते ही मनीष और भी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी हद से ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद उसने यश से पूछा, वैसे तुम्हारी मंडल फैमिली ने कितना पैसा खर्च करके तुम्हें इस जगह की मेंबरशिप दिलवाई है? और अफसोस, तुम तो ऐसे शख्स हो जो कि इस मौके का फायदा भी नहीं उठा रहे। उसने आगे यश का मजाक बनाते हुए कहा, इस जगह का नाम है सेज टॉर लाइब्रेरी। अगर तुम यहां तक कि यहां पर रखी इन किताबों को समझ भी नहीं पाए तो भी अगर तुम कोशिश करके थोड़ी मेहनत करो तो शायद इनमें से कुछ तो तुम्हारे दिमाग में जरूर जाएगा। यहां आने के बाद नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से ये बच्चों वाली किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यू क्रिएशन हिस्ट्री, अगर लोगों ने तुम्हारे हाथ में इस किताब को देख लिया ना तो मुझे तुम्हारे लिए शर्मिंदगी महसूस होगी। ताना देते हुए मनीष अपनी गंदी हंसी हंसने लगा। एपिसोड 19, हाईएस्ट प्रिविलेज पास। यश का मजाक बनाते हुए मनीष की हंसी अब सारी हदें पार कर चुकी थी। उसने फिर भी अपना बोलना जारी रखा। ओह राइट, मैं तो तुमसे पूछना भूल ही गया, तुम्हारा तो फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप दिवालिया हो गया था ना, तो फिर अभी भी तुम्हारे परिवार के पास इतना पैसा कहां से आया? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो इस तरह से पैसा खर्च करने की बजाय पहले अपने लेनदारों का कर्जा चुका देता, उसने यश को नीचा दिखाते हुए कहा। मैंने कुछ दिन पहले ये बात भी सुनी थी कि तुम्हारे विक्रम चाचा तुम्हारे घर पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर गए थे और वो तुमसे पैसे मांग रहे थे। वैसे ये कैसा रहेगा कि मैं अपने पापा से ये बात बोल दूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और वो तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दे दें जिससे कि तुम तुम्हारा कर्जा चुका सको। पहले शुरुआत में यश ने बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मनीष अपनी बातें बोलता ही रहा तो और जितना ज्यादा वो बोलने लगा था उतना ही ज्यादा वो एक्साइटेड भी होने लगा था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे यश को अकेला छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। जब तीसरी बार भी लगातार उसने यही हरकत की तब फाइनली यश ने गुस्से से उसे देखकर अपनी आंखें सिकुड़ ली। मैनेजर, इतना कहते हुए यश की आवाज बिल्कुल भी तेज नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश थी उसकी आवाज वहां पर गूंजने लगी और यह आवाज इतनी ऊंची थी कि वहां पर मौजूद सभी जादूगर उत्सुक होकर उस तरफ देखने से खुद को नहीं रोक पाए और उनमें से कुछ लोग इरिटेट भी हो गए। जहां तक उस लाइब्रेरी के मैनेजर की बात थी तो वो एक 30 साल की उम्र का 9th रैंक जादूगर था। वो धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे से होते हुए उन लोगों के पास आ गया।
क्या? जब मैनेजर अपने रास्ते पर आगे बढ़ा तो उसके चलने के तरीके से देखकर तो यह बात साफ थी कि वो चिढ़ा हुआ था। उसने उस जगह को ना चाहते हुए भी मुझसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है और बहुत देर से बकवास कर रहा है। साथ ही उसने पहले ही मेरे रीडिंग एक्सपीरियंस को स्पॉइल कर दिया है, उसने आगे कहा। तो मुझे उम्मीद है कि लाइब्रेरी स्टाफ इस लड़के को जितना ज्यादा मुझसे दूर ले जाना संभव है उतने ज्यादा दूर लेकर चले जाएंगे, मैनेजर ने चिढ़ते हुए कहा। जादूगर मनीष, तो ये क्या मामला है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या था। डायरेक्टली पढ़ने वाले लोगों की पढ़ाई में दखल देना किसी के लिए भी उस सेज टॉवर की लाइब्रेरी में बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो इसलिए उस 9th रैंक जादूगर ने, जो लाइब्रेरी का मैनेजर था, उसने सीरियस वे में मनीष की तरफ देखा। मनीष तुरंत चौंक गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा इसने कहा। उसने अपने पिता के बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद उस सेज टावर पर बनी इस लाइब्रेरी में कदम रखा था, इसलिए यह बात तो बिल्कुल भी फेयर नहीं होती कि उसे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता। और बस इसलिए कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कुछ शब्द वहां पर कह दिए थे। मनीष तुरंत सोचने लगा, ये ठीक नहीं है, अब मुझे कोई बहाना तलाशना होगा। मनीष ने अपनी नजरें उठाकर यश की तरफ देखा और अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। इसलिए उसने अपनी आवाज और एक्सप्रेशन बिल्कुल पहले जैसे ही बनाए रखे और यश की तरफ इशारा किया। मैंने तो सिर्फ इस बात पर शक जाहिर किया था कि यह लड़का यहां पर गलत तरीके से लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो गया था, और बस इसी सब की वजह से मैंने इससे कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिया, उसने अपनी सफाई में आगे कहा। इस लड़के में सिंपली इस जगह पर खड़े रहने की क्वालिफिकेशंस नहीं है, उसने बहुत आदर के साथ यश से कहा। माय अपॉलोजीज। लेकिन वो असर उस वक्त तुरंत गायब हो गया जब यश ने अपना पास उसके हाथ में दिया। मैनेजर ने यश से कैजुअली उसके पास को अपने हाथों में लिया और उसे देखते ही वो हैरानी से जम गया। उसके चेहरे पर उसकी हैरानी साफ नजर आने लगी, हालांकि उसने उस हैरानी को तुरंत छुपाने की कोशिश की। जैसे ही उसने यश से दोबारा बात करनी शुरू की, वहां मौजूद हर एक शख्स उस बात को सुन सकता था कि उसके लहजे में यश मेहरा के लिए कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट झलकने लगी थी। उसने बहुत आदर के साथ यश से कहा, माय अपॉलोजीज जादूगर महेंद्र मंडल जी, मैं इस पूरे मामले को ठीक तरह से देखकर आपको एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। इतना कहने के बाद उसने तुरंत बड़े इज्जत और अदब के साथ यश को दोनों हाथों से पकड़कर उसका वो पास लौटा दिया। देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खजाना दे रहा हो। तुम मजाक कर रहे हो, द हाईएस्ट प्रिविलेज पास, और वो भी 2 दिन पहले ही इशू किया गया था। इस सब का मतलब क्या था? 2 दिन पहले 3 बिग शॉट्स को इस तरह का पास इशू किया गया था, और वो भी आधी रात में। मैनेजर घबराते हुए अपने मन में सोचने लगा, अगर यहां पर सेज टावर के अंदर मौजूद तमाम जादूगरों को इस बात का पता चल गया कि उस पास के ऑनर को मैनेजर ने पहचानने में गलती कर दी, तो ऐसे में जो शख्स सबसे ज्यादा परेशानी में पड़ता वह मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। यश ने अपना सिर हिलाते हुए उस पास को वापस अपने पॉकेट में रख लिया। इसके बाद यश ने दोबारा न्यू क्रिएशंस हिस्ट्री किताब को उठा लिया। अब मैनेजर ने मनीष से कहा, जादूगर मनीष, अब प्लीज फॉलो मी। मैनेजर का चेहरा बहुत भयानक तरीके से उदास हो गया था। उसने जादूगर मनीष को एड्रेस करते वक्त जो शब्द कहे थे उसे देखकर लगता था कि वो काफी ज्यादा पोलाइट है, लेकिन जब उस मैनेजर की डराने वाली आवाज को मनीष ने सुना तो उसे वो डराने के लिए काफी थी। इस बात में कोई भी हैरानी नहीं थी कि मैनेजर मनीष पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उस बास्टर्ड मनीष ने तो लगभग उसे एक गड्ढे में गाड़ ही दिया था।
एपिसोड 20, ब्लैक विंग्स लुटेरे। किताब के पन्ने देखने के बाद यश मेहरा ने धीरे से उसे बंद कर दिया। वो उस किताब के बचे हुए कंटेंट्स को नहीं पढ़ना चाहता था। जिस इतिहास को वो जानता था, अगर वो गलत नहीं था, तो जो करंट पीरियड चल रहा था, वो थर्ड डायनेस्टी का खत्म होने के बाद शुरू हुआ वक्त था। इंसानों ने अभी अभी इस युग में प्लेन और कॉलोनाइजेशन की शुरुआत की थी, और तब भी न्यू क्रिएशन के फाइनली अंत होने को 30,000 सालों का वक्त बचा था। यह सचमुच एक ग्रेट एरा था, न्यू क्रिएशन का ग्लोरियस मैजिक सिविलाइजेशन। कॉलोनाइजेशन एरा में शुरू हुआ था, अनगिनत रिसोर्सेज कॉलोनी से होकर गुजरे और न्यू क्रिएशन की तरफ फैल गए। मैजिक सिविलाइजेशन बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता गया, और इसी के हिसाब से जादूगरों की ताकत और महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गई, और मैजिक सिस्टम वक्त पर उलटते पलटते रहे। जादुई सभ्यता बढ़ते हुए अपने शिखर पर इतनी दूर तक पहुंच गई थी कि पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। हर तरह से जब न्यू क्रिएशन की रूहानी तिलस्मी ताकतें खत्म हो चुकी थी, वे जादूगर जिन्हें एक वक्त में भगवान से कंपेयर किया जाता था, वो भी मर चुके थे। पिछले वक्त में जो एक ग्लोरियस मैजिक सिविलाइजेशन था, अब वो धुंधला पड़ चुका था, और उस दुनिया का अंत ऐसे हुआ कि आग की लपटों और अंधेरे ने उसे निगल लिया। ऑफ कोर्स ये सब कुछ अभी होना बाकी था। यश ने न्यू क्रिएशन हिस्ट्री नाम की वो किताब जहां से ली थी उसी शेल्फ में वापस रख दी, और उसके बाद उसने जाइव फॉर्मुला की एक दूसरी किताब ले ली। इस किताब से वो इस बात को देख सकता था कि सेज टावर में सचमुच रिच कलेक्शन था। यश ने जाइव फॉर्मुला के बारे में उस धूल खा रही लाइब्रेरी में आखिरी वक्त में पढ़ा था। ऐसा कहा जाता था कि उस जगह पर मैजिक सिविलाइजेशन की आखिरी चिंगारी मौजूद थी। वहां पर बहुत सी अनमोल किताबें थी जिन्हें स्टोर किया गया था। वहां पर अगर कॉर्नर की बात की जाए तो भी डेफिनेटली वहां पर क्वालिटी बुक्स के बीच में भी क्वालिटी बुक्स रखी हुई थी। नेचुरली जाइव फॉर्मुला बुक्स के दोनों वर्जन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस था। ये नॉर्मल था। अब तक की वो किताब जो यश ने पढ़ी थी उसे अनगिनत जादूगरों ने कई सालों तक रिफाइन किया था। उस किताब को पहले ही रिवाइज किया जा चुका था, जो कि काफी हद तक परफेक्शन के करीब थी। अगर उस किताब से इस बुक को कंपेयर किया जाता जो इस वक्त यश के हाथों में थी, तो इस बुक को बस ज्यादा से ज्यादा एक सेमी फिनिश्ड ही माना जा सकता था। लेकिन यश के लिए ये बात मैटर नहीं करती थी कि वो बुक सेमी फिनिश्ड थी या नहीं। वो जानता था कि कैसे जाइव फॉर्मुला को इतने अच्छे से परफेक्ट किया जा सकता है कि अगर उसे उसकी आंखों के सामने जो वर्जन था उसे फाइनलाइज करना पड़े तो भी वो कर सकता था। वैसे ये सब कुछ उसके लिए सिर्फ थोड़ा रिव्यू था। यश जाइव फॉर्मुला का इस्तेमाल करके उस युग का मैजिकल नॉलेज पता करना चाहता था। साथ ही ये भी जानना चाहता था कि उस जादू का किस तरह का लेवल इस करंट एरा के लोगों ने हासिल किया था। ये सारी बातें यश को जिस युग में वो जी रहा था उसे समझने में मददगार हो सकती थी। न्यू क्रिएशन की हिस्ट्री भर जान लेना उसके लिए काफी नहीं था। सच तो ये था कि यश का इस एज में इतिहास का नॉलेज भी उस वक्त तक का था जो वक्त अभी चल रहा था। इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था कि दुनिया के अंत के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें बच गई थी जिन्हें यूज किया जा सकता था। लेकिन ये बात तो पक्की थी कि इतिहास की किताबों में वो चीजें रिकॉर्ड होने से छूट गई थी। एक ऐसी दुनिया में जहां पर कि इस बात का भी ठिकाना नहीं कि आने वाले कल का सूरज कौन देख पाएगा। वैसे युग में ऐसा कौन होगा जो इस बात की तरफ इतना ध्यान देगा कि कई हजारों साल पहले क्या हुआ होगा। सच तो ये था कि रूहानी तिलस्मी ताकतों के खत्म होने के सैकड़ों साल बाद न्यू क्रिएशन की हिस्ट्री पूरी तरह से बिखर गई थी। यश को सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज के बारे में पता चल पाया था जो कि लोगों के मुंह से निकलकर दूसरे लोगों के कानों तक पहुंची थी। जहां तक डिटेल्स की बात थी जो कि यश के पास थी, उसे लिखने वाले वो सारे ईमानदार इतिहासकार अब मर चुके थे। यश ने जोर से सांस ली और अपना ध्यान फिर से वापस जाइव फॉर्मुला की तरफ मोड़ लिया। उसी वक्त जब यश उस किताब को पढ़ रहा था, किसी ने रिसेप्शन रूम का दरवाजा जोर से खटखटाया जो कि सेज टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। तीन लोग उस रिसेप्शन रूम के अंदर बैठे हुए थे। उसमें से एक बूढ़ा आदमी था, एक अधेड़ उम्र का था और एक जवान लड़का था। उसमें से जो बूढ़ा आदमी था उसने ग्रे गाउन पहन रखा था। उसकी दाढ़ी के बाल ग्रे कलर के थे और वो दुबला पतला सा था। इसके साथ ही वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद खांस रहा था। देखने में उसका शरीर बहुत ही कमजोर लग रहा था। अगर उस बुढ़े आदमी को अधेड़ उम्र के आदमी से कंपेयर किया जाता जो उसके सामने बैठा हुआ था, तो देखने में वो अधेड़ उम्र वाला ज्यादा जिंदा दिल दिखाई दे रहा था। उसके बाल और दाढ़ी को बहुत बारीकी से संवारा गया था। हालांकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसे देखकर वो बहुत ज्यादा लग्जूरियस या भड़कीले नहीं लग रहे थे, पर उसके कपड़ों पर जो हैंडक्राफ्टेड काम किया गया था वो बहुत ही फाइन वर्क था। जिस आदमी की आंखों में चीजों को जज करने की काबिलियत होती है वो इस बात को नोटिस कर लेता है कि वो कारीगरी किसी फेमस टेलर के हाथों से की गई थी। इस बात की बहुत हायर पॉसिबिलिटी थी कि जिस तरह के कपड़े उस शख्स ने पहने हुए थे उनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि एक आम परिवार के साल भर के खर्च में लगने वाला पैसा भी उन्हें खरीदने के लिए काफी नहीं हो पाता। उसके बाजू में बैठा हुआ वो लड़का जो एक नौजवान था, उसकी उम्र अभी 30 साल भी नहीं रही होगी। लेकिन हैरान करने वाली जो बात थी कि उसकी बाहों की पीछे की तरफ जो डिजाइन बना था वो पतली सिल्वर लाइन से था। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो वो एक महान जादूगर था जिसकी उम्र महज 30 साल से भी कम थी। लेकिन रिसेप्शन रूम में चाहे वो अमीर अधेड़ उम्र का आदमी हो या जवान जादूगर, उन दोनों लोगों के बर्ताव से लग रहा था कि उन दोनों के ही दिल में उस बूढ़े आदमी को लेकर बहुत इज्जत थी। इसके पीछे का कारण ये था कि वो बूढ़ा आदमी महानगर के सभी मैजिशियन यूनियन का लीडर था। उनमें से एक सेज स्टार का बिग शॉट था जिसका नाम वरुण था। महानगर के सेज टावर में बैठे हुए ये तीनों बिग शॉट्स लेजेंडरी पर्सन थे। लोगों के बीच में उन्हें कभी कभार ही देखा जा सकता था, और पिछले कुछ सालों लगभग किसी को भी उन लोगों का दीदार नहीं हुआ था। लोग ये जानते थे कि ये तीनों ताकतवर जादूगर मिलकर जो कि उस सेज टावर को कंट्रोल किया करते थे, वो दर्जनों सालों से अव्वल दर्जे के जादूगर बनने के रास्ते पर आगे ही बढ़ते जा रहे थे, और इसलिए उन लोगों के पास गहरी समझ और इतनी ताकत थी जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। उनका होना ही इस बात के पीछे की वजह थी कि जादूगरों की उस यूनियन को उस महानगर के टावर पर सबसे ऊंची जगह दी गई थी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिनमें जादूगरों की उस यूनियन को चैलेंज करने की हिम्मत हो। ऐसा कौन हो सकता था जो इन ऊंचे दर्जे के जादूगरों का सामना कर सकता था। अगर कोई ऐसा करने की सोचता भी तो ये एक मजाक ही होता। एक बात तो सभी जानते थे कि वो लोग कोई दयालु उम्रदराज शख्स नहीं थे। अगर पिछले दिनों की बात करें तो थोड़े समय पहले लुटेरों का एक बदनाम और बुरा ग्रुप हुआ करता था जिसे लोग ब्लैक विंग्स के नाम से जानते थे। वो लोग आए दिन लोगों को लूटा करते थे, लेकिन इन तीनों बिग शॉट्स ने उस ग्रुप के लोगों को जिंदा ही जलाकर राख कर दिया। उन लुटेरों के ग्रुप में हजार लोगों से भी ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन आखिरकार उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी राख के ढेर में बदल गए। उस बुढ़े आदमी ने चिढ़ते हुए कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजे पर हुई दस्तक की आवाज ने उन तीनों लोगों के बीच हो रही बातचीत को इंटरप्ट कर दिया। वो बुरा आदमी इस वक्त बस मुस्कुराते हुए अपने उन दोनों मेहमानों से माफी ही मांग सकता था। प्रेसिडेंट विश्वजीत, जादूगर रंजन, डिस्टर्बेंस के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। मुझे बस दो मिनट दीजिएगा, देख लूं जरा कौन सी आफत इस वक्त आ पड़ी है। आप लोग तब तक चाय पीजिए।
बूढ़े आदमी की बात सुनकर वो दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन अचानक हुए इस डिस्टर्बेंस की वजह से वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा चिढ़ गया था। नहीं पता एपिसोड 21 रिसेप्शन मीटिंग। अंदर आने की इजाजत मिलने के बाद एक नौजवान ने दरवाजा खोला जो देखने में लगभग 30 साल की ही उम्र का लग रहा था। अगर यश वहां पर होता तो वो जरूर उसे पहली नजर में ही पहचान लेता, क्योंकि ये वही जादूगर था जिससे यश की मुलाकात थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी में हुई थी। और जब मनीष ने अपने कदम पीछे हटा लिए तो उसने घबराते हुए यश की तरफ देखा था। अंदर आने के बाद उस नौजवान ने सबसे पहले उन दोनों लोगों से माफी मांगी जो वहां पर मेहमान थे। उसके बाद उसने वहां पर मौजूद वरुण के कानों में कुछ कहा। ओके, आई अंडरस्टैंड। उस नौजवान आदमी की रिपोर्ट सुनने के बाद वरुण ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई और किसी भी तरह का रियल रिस्पॉन्स उसे नहीं दिया। इनफैक्ट वरुण वहां पर मौजूद उन दोनों गेस्ट की तरफ देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए माफी मांगकर कहने लगा, प्रेसिडेंट विश्वजीत, लाइब्रेरी में हुई उस प्रॉब्लम को लेकर मैं सचमुच आपसे माफी मांगना चाहता हूं। लाइब्रेरी में? जब प्रेसिडेंट विश्वजीत ने यह बात सुनी तो उसने अपनी आंखों की पलकों को थोड़ा सा झपकाया। वो मन में सोचने लगा, क्या अभी मनीष लाइब्रेरी के अंदर नहीं था? विश्वजीत को उसके बेटे का कैरेक्टर कैसे नहीं पता हो सकता था? वो आमतौर पर अपने परिवार के रुतबे का फायदा उठाया करता था। उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिस पर शक किया जा सकता था। जादूगर रंजन की मदद से वो अभी अभी आगे बढ़ा था और एक जादूगर बन गया था। अभी अभी हासिल हुई उस कामयाबी की वजह से उसका घमंड तेजी से बढ़ रहा था। वो अब पहले से भी और ज्यादा घमंडी बन गया था। उसका घमंड इस हद तक आगे बढ़ गया था कि अभी हाल ही में हुई बिजनेस ग्रुप गैदरिंग में उसने तो बस यूं ही एक मौका ढूंढा और गजेंद्र मंडल के बेटे को मुक्का मार दिया। उसने तो वहां पर लगभग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही खड़ी कर दी थी। अभी उसके पिता ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद सेज स्टार के साथ कॉपरेट करने का प्लान करते हुए उसी वक्त अपने बेटे को लाइब्रेरी में भेज दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि उन्हें महसूस हुआ था कि अगर मनीष को लाइब्रेरी में भेज दिया जाएगा तो वहां पर वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग खामोश होते थे और अपना ध्यान पढ़ाई में ही लगाते थे। इससे पहले कि वो लाइब्रेरी जाता, विश्वजीत ने अपने बेटे को खास तौर पर वार्न किया था कि सेज स्टार सिर्फ एक आम जगह नहीं थी। उस जगह पर उसे अपने घमंड को एक तरफ रखना होगा, नहीं तो वो अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी ला सकता था। इस बात को सोचने के बाद कि वहां पर क्या हुआ होगा, विश्वजीत लाचार हो गया और अब उसके सिर में दर्द होने लगा। कई बार वो सचमुच कुछ भी नहीं समझ पाता था। वो दोनों ही उसके बेटे थे तो फिर आखिर ऐसा क्यों था कि रंजन और मनीष के बीच में इतना ज्यादा अंतर था? जहां एक बेटा होशियार और सीधा साधा था और अपने दम पर कम उम्र में ही एक बड़ा जादूगर बन गया था, तो वहीं दूसरा बेटा वो हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा किया करता था। यहां तक कि अभी अभी उसने जादूगर बनने की ये जो कामयाबी हासिल की थी उसकी कामयाबी भी उसे अपने बड़े भाई के भरोसे पर ही हासिल हो पाई थी। इस बार जब वो लौटा था तो उसके बाद उसने मनीष को ठीक तरह से डिसिप्लिन सिखा दिया था, नहीं तो उसकी हरकतें पहले की तरह ही चलती रहती। अगर उसकी हरकतें ऐसे ही जारी रहती तो इस बात में कोई भी शक नहीं था कि वो अपनी फैमिली के लिए तबाही और बर्बादी लेकर आने वाला था। विश्वजीत ने थोड़ी देर के लिए हेजिटेट होने के बाद जोर देकर उससे पूछा, लीडर वरुण, क्या मनीष? बस एक माइनर साइड था। वरुण ने अपना हाथ हिलाया और अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। अभी अभी जादूगर मनीष और एक नौजवान जादूगर के बीच में किसी बात को लेकर लाइब्रेरी में डिसएग्रीमेंट हो गया था। समर्थ ने उस सारी बात को संभाल लिया था। मैं सचमुच इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूं। विश्वजीत के दिल में कुछ हद तक तो तसल्ली थी, लेकिन वो बार बार उन लोगों से माफी मांगते जा रहा था। जब उसने वरुण की टोन को सुना तो उसे लगा कि इस बात का शुक्र है कि मनीष ने उस वक्त सेज स्टार में मौजूद किसी भी इंपॉर्टेंट जादूगर को गुस्सा नहीं दिलाया था। अगर इस तरह का कोई मामला रहा होता तो वरुण के सामने अच्छे तरीके से माफी मांग लेना और सेज स्टार को लेकर अपनी तरफ से सम्मान जताना ही काफी होता, क्योंकि अभी मनीष सिर्फ एक नौजवान जादूगर था। तो बेहतर होता कि उसे इस बात को लेकर होशियार रहना चाहिए था। अगर उसे किसी के साथ कोई परेशानी मोल भी लेनी थी तो ऐसा करने से पहले उसे इस बात के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी कि जिससे वो लड़ रहा है आखिर वो शख्स है कौन। विश्वजीत की फैमिली बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जिसकी कोई भी बेइज्जती कर सकता था, लेकिन सिर्फ एक चीज जो अभी भी मैटर करती थी वो था सेज का इस मामले को लेकर एटीट्यूड। लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा था कि इस सबसे कोई ज्यादा बड़ा बखेड़ा तो नहीं होने वाला था। आफ्टर ऑल विश्वजीत उन लोगों के लिए कोऑपरेशन प्लान लाया था, इसलिए उसके पास इस वक्त तो सेज स्टार को काबू करने के बहुत सारे रास्ते थे। इस क्रूशियल मोमेंट पर भी वरुण ने उनके बेटे की इस हरकत के बाद भी उनकी तरफ जरा मुस्कुराकर ही देखा था। अभी जैसी विश्वजीत ने उम्मीद की थी, वरुण ने मनीष की गलती के बारे में और ज्यादा बात किए बिना ही विश्वजीत की माफी कबूल कर ली थी। उसके बाद उन लोगों की बातचीत बढ़िया तरह से खुशनुमा माहौल में जारी रही और बहुत ज्यादा वक्त तक बिजनेस के बारे में बातें नहीं चली। अब रिसेप्शन रूम के माहौल में इतनी ज्यादा बिटरनेस नहीं बची हुई थी जैसे आमतौर पर दोस्त लोग एक दूसरे से मिलने के साथ हारमोनियस तरीके से पेश आया करते थे, बस वैसी ही बातें हो रही थी। वरुण ने उसके कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की, चाहे जो वो एक ऐसा शख्स था जो कई सालों से एक अव्वल दर्जे का जादूगर माना जाता था। उसके एक्सपीरियंसेस बहुत सारे लोगों के लिए लेजेंड्स की तरह हो सकते थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके इस तजुर्बे को सुनने वाला वेल्दी विश्वजीत हो या एक बड़ा जादूगर रंजन के जैसा कोई जो कि अभी अभी बस अपनी 30 साल की उम्र में ही एक बड़ा जादूगर बन गया था। उन दोनों लोगों ने वरुण की सारी कहानियों को पूरी शिद्दत के साथ ध्यान से सुना था, क्योंकि उसकी कहानियां उन दोनों बाप बेटों की आंखें खोलने के लिए काफी थी। जब वो वहां से जा रहे थे उस वक्त भी वो लोग इस बात को देखकर हैरान थे कि वरुण उन लोगों के साथ अपने दरवाजे तक भी छोड़ने के लिए आया था। इस तरह का बर्ताव वरुण किसी के साथ करे ऐसा कभी कभार ही देखने में आता था, और यह सब कुछ पिछले कई सालों में लगभग पहली बार हो रहा था। जब एक बार वरुण ने उन दोनों बाप बेटों को विदाई दी थी तो उसके बाद वो फिर से लौटकर वापस रिसेप्शन रूम में आ गया। समर्थ, जो वहां पर बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था, उसने बड़े ध्यान से पूछा, सर क्या हमें मनीष को माफ कर देना चाहिए? समर्थ ने इस बात को मान लिया था कि जिस तरह से उसके गुरुजी ने उन दोनों बाप बेटों से खुशी खुशी बातचीत की थी उसके बाद तो सेज स्टार और ट्विन मून्स बिजनेस ग्रुप के बीच में वो कोऑपरेशन एग्रीमेंट लगभग तय हो ही जाएगा। और इसके साथ ही समर्थ को यह भी लगा कि उस नौजवान जादूगर को जिसे लाइब्रेरी से बाहर कर दिया गया था उसे माफ भी कर दिया जाएगा। चाहे जो भी हो आखिर वो विश्वजीत का बेटा था, अगर आज वो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला भी कर देता तो भी ये बात इतनी खास पार्टनरशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। समर्थ ने तो इस बात की उम्मीद ही नहीं की थी कि एक बार बैठ जाने के बाद उस बूढ़े आदमी के मुंह से इस तरह से गुस्से भरे शब्दों की बौछार होने लगी। वरुण गुस्से में बोला, माफी? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उसे यहां से बाहर निकाल दो। ओके, समझ गया। समर्थ समझ गया था, वरुण उस पर ही चढ़ गया। उसने आगे कहा, लाइब्रेरी में किसी भी तरह का बखेड़ा खड़ा करना डेफिनेटली मैजिशियन यूनियन की डिग्निटी की इंसल्ट है। उसकी टांगें नहीं तोड़ी गई, बस उसे यूं ही जाने दिया है, यही उसके लिए आराम की बात थी। और हाँ, अगर कल वो विश्वजीत यहां पर आता है और मेरे बारे में पूछता है तो तुम उसे बता सकते हो कि मैं बरना लगा हूं और मुझे वहां से लौटने में 10 दिन लग जाएंगे।
मुझे वहां पर लगभग एक महीना लग जाएगा। समर्थ ने फिर कहा, ओके ठीक है। वरुण उसे घूर कर देखने लगा। एपिसोड 22, साजिश या हादसा। दरअसल समर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात को सुनने के बाद किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वो मन में सोचने लगा कि क्या हो रहा है ये? क्या गुरुजी ने अपना एटीट्यूड बहुत जल्दी ही बदल नहीं दिया? क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले तक वो खुशी खुशी से बात नहीं कर रहे थे, तो इतनी अचानक वो ऐसे एकदम से हॉस्टाइल कैसे बन गए? और मुझे ऐसे क्यों कहने लगे कि मैं मनीष को यहां से बाहर निकाल दूं? और इससे पहले उन्होंने इस तरह से कभी भी विश्वजीत का स्वागत भी नहीं किया था। क्या ये बहुत ज्यादा? एपिसोड 23, लाइब्रेरी में रीडिंग।